डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी खाने की पाचन क्रिया। सो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं जो भी हम कुछ फूड एब्जॉर्ब करते हैं अपने माउथ के थ्रू का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो इसके हमारे 5 स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, पल्स द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, दैट इज टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर एंड देन गॉल ब्लैडर। डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल, दैट मीन जो हमारा फूड होता है, डाइजेशन का मतलब होता है हमारे फूड को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना। तो इसके हमारे 5 प्रोसेस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी बॉडी में ये 5 प्रोसेस किस तरीके से वर्क करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज अ इंजेशन, दैट इज अ माउथ में फूड की एंट्री। सबसे सिंपल स्टेप यही होता है, जो भी हम कोई भी टेस्टी फूड देखते हैं उसको उठाकर अपने मुंह में डाल लेते हैं। और सेकेंड स्टेप इज अ डाइजेशन, यानी खाने की पाचन क्रिया। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज जो हमारे टीथ होते हैं उनका यूज करके हम खाने को स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो एक सलाइवा प्रोड्यूस करती है और खाने के साथ मिलकर एक वेफोम बना लेती है। तो फूड के स्मॉल पार्टिकल और सलाइवा को मिक्स किया जाता है थ्रू द टंग, मतलब टंग का यूज करके हम फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं। जो रिजल्टेंट मिक्सचर होता है वो इजीली हम उसको स्वेलो कर सकते हैं, दैट मीन हम इजीली उसको निगल सकते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्वेलो करने के बाद फूड पाइप में चला जाता है। फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस फूड को स्टमक तक ले जाता है, जहाँ फूड 2 से 2.5 घंटे तक रहता है और डाइजेशन होता है। सो फ्रेंड हमने एक वीडियो बनाई थी वाटर की, कि हमें खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, उसका ही रिलेशन यहाँ से है। तो हम आगे भी बताएंगे। जो स्टमक में फूड चला जाता है उसको कम से कम 2 से 2.5 घंटे चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए। स्टमक की वॉल पर ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है, ताकि पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए। ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल करता है। म्यूकस होता है, म्यूकस स्टमक की इनर लाइन को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो डाइजेशन जितना हो गया है वो सभी पार्टिकल, फूड पार्टिकल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, जो कि हमारी 6.5 मीटर की एक नैरो पाइप होता है जो एक कॉइल शेप में अरेंज होता है। इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब का फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है लीवर और गॉल ब्लैडर से। लीवर एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे बाइल कहते हैं, जो कि लीवर में गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल नेचर में एल्कलाइन होता है, इसमें सॉल्ट भी होता है जो फूड में प्रेजेंट फैट को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देता है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, जो हमारी पैनक्रिया होती है। पैनक्रियाज में स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस एंटर करता है, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। जो अमाइलेज होता है वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करता है। जो कम्प्लीटली कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमोनियो एसिड में एंड फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में।
नाउ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, यहाँ पे हमारा डाइजेशन कम्प्लीट होता है। अब बात करते हैं हम डाइजेशन का प्रोसेस करते क्यों हैं। तो जो हम डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हम इसलिए करते हैं, जो हमारे फूड में ग्लूकोज, अमोनियो एसिड और ग्लिसरिक और फैटी एसिड होते हैं वो ब्लड के थ्रू बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक ले जाए जा सके, जहाँ ये सेल में स्टोर हो जाए और एनर्जी, ग्रोथ और बॉडी रिपेयर के काम आ सके। ब्लड में प्रोडक्ट 3 स्टेप में मिक्स होते हैं, इस स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइम फिंगर शेप प्रोजेक्शन होता है, जिन्हें विली कहते हैं। ये विली ब्लड से ब्लड वेसल्स कनेक्टिव होती हैं, विली फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 4th स्टेप, दैट इज़ अ एसिमिलेशन। इस स्टेप में ब्लड डाइजेस्ट और डिजोल्व फूड मॉलिक्यूल्स को, यानी ग्लूकोज, अमोनियो एसिड और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को लार्ज सेल, यानी जो बॉडी की सेल्स होती हैं उन तक पहुंचा देता है। फूड मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी तो सेल इमिडिएटली यूज कर लेता है और बॉडी रिपेयर में भी यूज हो जाती है। और नेक्स्ट जो हमारे मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं वो लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिए जाते हैं। जब बॉडी को नीड होती है तो ग्लाइकोजन बॉडी सेल्स को एनर्जी दे देता है। तो अब बात करते हैं लास्ट स्टेप के बारे में, दैट इज़ अ एजिशन। एजिशन मतलब जो हमारा फूड बॉडी, जो भी हम कुछ खाते हैं, अगर उसका डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसका डाइजेशन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर पाती तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ रिमेनिंग फूड का पूरा वाटर विली की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइनली फूड रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है।